ग्राम स्वच्छता का प्रथम संदेश देने वाले कर्मयोगी संत गाड़गे बाबा की 62वीं पुण्यतिथि नांदा फाटा में मनाई गई। इस दौरान हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे वाचनालय का उद्घाटन भी किया गया। नांदा फाटा में कर्मयोगी गाड़गे बाबा की 65वीं पुण्यतिथि के साथ वाचनालय का उद्घाटन संपन्न हुआ। वैराग्य मूर्ति कर्मयोगी श्री संत गाड़गे बाबा बहुउद्देशीय समाज सुधारक समिति और धोबी समाज संगठन की ओर से संत गाड़गे महाराज पुण्यतिथि नांदा फाटा में मनाई गई। इस मौके पर शिवसेना नेता केडी भोंगले के हाथों बाला साहेब ठाकरे वाचनालय का उद्घाटन किया गया। सांस्कृतिक भवन में रंगोली स्पर्धा, गीत गायन स्पर्धा, वस्त्रदान, अन्नदान जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य शिवचंद्र काले, कोरपना पंचायत समिति सदस्य सविता गिरिधर काले, नांदा गांव के उपसरपंच पुरुषोत्तम आसवले, तंटा मुक्ति अध्यक्ष शारदाताई ढूंढने, भूतपूर्व तंटा मुक्त अध्यक्ष दिलीप हेटे, संजय गांधी निराधार योजना अध्यक्ष संजय मुसले, कामगार नेता साईनाथ बुचे, भूतपूर्व सरपंच श्याम सुंदर राउत के साथ गाड़गे बाबा समाज सुधारक समिति के पदाधिकारी, ग्राम पंचायत सदस्य और गाँव वासियों की बड़ी तादाद में उपस्थिति थी। सीटीवी न्यूज के लिए नांदा फाटा से हमारे संवाददाता सैयद मुमताज अली की रिपोर्ट। 9 डिसेंबर रोजला श्री संत गाड़गे बाबा पुण्यतिथि साजरी करण्यात आलेली आहे। आम्ही नांदा फाटा इथे बाळासाहेब यांच्या नावाने ग्रंथालय म्हणजे वाचनालय सुरू करण्यात आलेलं आहे आणि सांस्कृतिक भवन इथे आम्ही धोबी समाज यांचा कार्यक्रम ठेवला आला आहे आणि रांगोळी स्पर्धा म्हणजे सर्व बाया एकत्र यावे म्हणून आम्ही रांगोळी स्पर्धा हा कार्यक्रम घेण्यात आलेला आहे। त्याचप्रमाणे गाणे गीत गायन हे सुद्धा घेण्यात आलेलं होतं।